हर सुबह हर शाम गाएंगे ये सांसों में मेरे होठों पे मेरी बातों में इस दिल की हर धड़कन में मेरी आंखों में मेरी सांसों में मेरे होठों पे मेरी बातों में इस दिल की हर धड़कन में तो मेरी आंखों में मेरी सांसों में मेरे होठों में मेरी बातों में इस दिल तुझे छोड़कर जाऊं मैं कहां तू है तो मैं हूं यहां तुझे छोड़कर जाऊं मैं कहां तू है तो मैं हूं यहां अब ये लम्हा जरा थम जा तेरे मेरे दरमियाँ तेरे मेरे दरमियाँ हर सुबह हर शाम गाएंगे गाएंगे
Hallelujah. It's a great joy to be here in the house of God. और मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि मैं प्रभु के भवन में आज हूँ. God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है. You know, when you come together in the house of God, there is a great joy in the presence of God. और जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ा आनंद होता है. My dear friends, anything can be absence in our life, but not the presence of God. और हमारे जीवन में से कुछ भी खोया हुआ हो सकता है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति कभी कोई नहीं जाती हमारे जीवन से. This morning you may not have a beautiful home and a bank balance, may not be a six-digit salary. You may not own a bungalow, but I tell you, you have the best that you are in the presence of God. और आज हो सकता है आपके पास में एक अच्छा बड़ा मकान ना हो, आपके पास में जो है छह गिनती का तनख्वाह ना आ रहा हो, आपके पास में जो है बहुत ज्यादा सुविधाएं ना हो, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके पास में परमेश्वर की उपस्थिति है. So next 45 minutes, I want to encourage you. And I want to make sure in the presence of God, this message will change you and this message will challenge you. और मैं जो है अगले 45 मिनट आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ, और मैं आप लोग को उत्साहित करूंगा. आज का जो संदेश है, ये संदेश आपको चुनौती देगा, ये संदेश आपको उत्साहित करेगा. Hallelujah. Hallelujah. We don't make any plans, but God make everything possible according to His purpose this morning. और हम कोई योजना नहीं बनाते, परंतु परमेश्वर जो है अपने अपने उद्देश्य के अनुसार से हर एक बातों को हमारे जीवन में पूरा करता है. Apostle Douglas Wright is a good friend of mine. Apostle Douglas Wright जो है बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे. Apostle Douglas and me, we had been ministering in various parts of the world. और जो है Apostle Douglas के साथ में मैं दुनिया के अलग-अलग भागों में सेवकाई कर रहा हूँ. So this season he wanted to come to India. और इस समय में वो चाहते थे कि वे भारत में आकर के सेवकाई करें. Almost 3 weeks he is with me. और पिछले 3 हफ्तों से वे लगातार भारत में अलग-अलग जगह स्थानों में सेवकाई कर रहे हैं. The clip you have seen, we ministered together in Panvel, Mumbai. और जो आपने अभी भी वीडियो देखा, हमने जो है एक साथ मिलकर के पनवेल मुंबई में हमने सेवकाई करी. Then we were in Nepal, you know, preaching in a youth conference. और उसके बाद हम नेपाल में थे, वहाँ पे जो है जवानों की सभा में प्रचार कर रहे थे. Now he is in Jaipur speaking to some African congregation. और इस समय में आज जो है सुबह में जो है वो जयपुर में जो है कुछ अफ्रीकन लोगों के सभा में प्रचार कर रहे हैं. God is doing great things in this season. और इस समय में जो है परमेश्वर इस मौसम में बहुत अच्छा काम कर रहा है. So Mount Carmel Church is not new to me. और माउंट कार्मेल कलीसिया जो है मेरे लिए नई नहीं है. Maybe you know some of changes it has have, I can understand. और जो है कुछ बदलाव हुए हैं यहाँ पर, जरूर मैं वो देख सकता हूँ. I spoke in the year 2012, you know. 2012 में मैं यहाँ पर आया था और यहाँ पर प्रचार किया था. So once again I great take this opportunity to thank the senior pastor and the believers for giving me this opportunity to speak the word of God. और मैं आज जो है इस समय को लेता हूँ और यहाँ के सीनियर पासबान को और आप सब विश्वासियों को जो है धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यह अवसर दिया कि मैं यहाँ पर प्रचार कर सकूँ. How many of you are happy this morning? आप में से कितने लोग आज खुश हैं? We are not in a classroom. We are with Jesus Christ this morning. और हम जो है किसी कक्षा में नहीं है, परंतु आज हम यीशु मसीह के साथ में हैं. See, shepherd is like a father. और आप जानिए कि पासबान जो है वो चरवाहा जो है वो पिता के समान है. They also love you. और वो आपसे प्रेम करते हैं. They also correct you. और वो आपको सुधारते हैं. Bible talks very clearly, a father who loves the children, definitely they will correct them also. और बाइबल बताती है बिल्कुल साफ तौर से कि जो पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है वो उन्हें सुधारता भी है. So I'm so happy that you have a very loving and caring and correcting man of God who lead you to Christ in a proper way. अब मैं बहुत खुश इस बात से कि आपके पास में जो है एक अच्छा अगुआ है, एक अच्छा चरवाहा है जो आपको सही रूप से जो है मसीह में बढ़ाने में योगदान दे रहा है. Hallelujah. Because in this pampering and polishing century where the church is going to corruption and all these things, there is no correction in the church of God. This morning when I walk into the church, as I sat there, when I heard the word that man of God is speaking, I'm so happy. I was thanking God that still God is on the throne. और इस समय में जबकि बहुत सी कलीसियाओं में ऐसी बातें नहीं हो रही हैं जहां पर वहां के पासबान जो है अपनी कलीसिया को सुधारें और सही रूप से करें, मैं जब सुबह यहां पर आया तो मैंने परमेश्वर के दास से जो है बातों को सुना कि वो अपनी कलीसिया को जो है कुछ अच्छी बातें सिखा रहे हैं ताकि वे उन्नति करें. God has given me a travel, you know, ministry of preaching and traveling. और परमेश्वर ने मुझे सेवकाई दी है कि मैं यात्राएं करूं और प्रभु के संदेश का प्रचार करूं. By the grace of God, he has taken me to 31 nations of the world. और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं जो है 31 देशों में, दुनिया के 31 देशों में जाकर प्रचार कर चुका हूं. But I see very less men of God, those who talk with boldness like a lion in the house of God. परंतु मैंने बहुत ही
कम प्रभु के दासों को देखा है कि वे जो है शेर की नाई जो है पूरे उस साहस के साथ में कलीसिया से बात करें. Because outside they all are money minded. क्योंकि बाहर की दुनिया में जो ज्यादातर लोग हैं वे लोग जो है पैसे ज्यादा चाहते हैं. But only real man of God will talk with the boldness of God. He will not think about anything. He will not compromise, but he will hold on to the promises of God so that people will walk in the purpose of God. परंतु परमेश्वर का जो जन है वो पूरे साहस के साथ में बात करेगा, वो किसी भी बात की चिंता नहीं करेगा और ना ही किसी के सामने झुकेगा, परंतु परमेश्वर में लोगों को बढ़ाने की चिंता करेगा. So can we celebrate man of God this morning? Shall we clap our hand and say thank God? दास का यहां पर जो है आदर करें ताली बजा करके. Hallelujah. Hallelujah. I met him several years before. और मैं बहुत सालों पहले मैं उनसे मुलाकात किया था. But still he has the same boldness and same, you know, kind of a zealous for God. और मैं आज भी उनके अंदर में उसी साहस को और उसी दिलगी को देखता हूं जो पहले मैंने देखा था. हिंदी में बोलते हैं कि तब हम साथ में रहते हैं उसका खूबसूरती, यू नो, उसका टेस्ट हमको पता नहीं चलता है. यू नो, हम आप लोग साथ ही रहते हैं, लेकिन हमारा तरह जो मेहमान बाहर से आके तब कुछ बातों को सुनते हैं हमको अच्छा लगता है. नो, वी आर वेरी हैप्पी. यू नो, दैट्स व्हाई आई वांट टू थैंक गॉड फॉर सच अ मैन ऑफ गॉड इवन इन 21st सेंचुरी इन नॉर्थ इंडिया. और मैं जो है इसलिए ऐसे प्रभु के दास का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ. और जो है कि 21वीं सदी में जो है भारत में जो है वे ऐसे इस रूप से अपने कलीसिया से प्रेम करते हैं और उन्हें उत्साहित करते हैं. सो यू आर हैप्पी पीपल. और इसलिए आप आनंदित लोग हैं. हालेलुया. हालेलुया. आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? Church, are you happy this morning? कलीसिया, क्या आप खुश हैं आज की सुबह में? नहीं, ये यू नो, मैं दो तीन शब्द हिंदी में बोलता हूँ. राजस्थान, आप लोग कहाँ रहते हैं? आपको पता है इसका मतलब क्या है? राजा का स्थान. आमीन. ये राजा का स्थान है, लेकिन आज सुबह सवाल है, सच्चा राजा का स्थान है क्या? Rajasthan has lot of palaces. और राजस्थान में बहुत से महले हैं. Rajasthan has lot of princes. और राजस्थान में बहुत ढेर सारे राजकुमार हैं. Rajasthan has lot of heritages. और राजस्थान में बहुत ढेर सारी संस्कृतियां हैं. But people of God in the city of Ajmer this morning, I came to challenge you. Do we have real place for the King of Kings? और क्या मैं आप लोग आज सुबह में आ करके मैं जो है आप लोगों को चुनौती देना चाहता हूँ कि क्या हमारे पास में सचमुच में राजाओं के राजा का स्थान है? Days are passing by. Days are passing by. और जो दिन है वो निकलते जा रहे हैं. Weeks are passing by. और चीजें निकलते जा रही हैं. Months are passing by. और महीने निकलते जा रहे हैं. Years are passing by. और साल निकलते जा रहे हैं. This morning, what are we doing to do expand the kingdom of God in the city of Ajmer? और हम अजमेर शहर में परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? Having a wonderful facility in the church. क्या हमारे पास में सारी सुविधाएं इस कलीसिया के अंदर में? Having anointed men of God. और परमेश्वर के अभिषेक दास हमारे पास में हैं. This morning, I came to encourage you and challenge you. You have to take a step of faith to bring the real king into the city of Ajmer in Jesus name. और मैं आज सुबह में आप सभी को चुनौती देना चाहता हूं कि आप सच्चे जीते प्रभु यीशु मसीह को जो राजाओं का राजा है उससे इस जगह का स्थान दें. This morning all the compromises are going to be promises in the name of God. और जो आज सारी चीजें जो आज जिसमें आप तालमेल कर लेते हैं वो वादों में बदल जाएंगे. All the arguments are going to be agreements in Jesus name. और सारे दुष्ट आत्माएं हैं वो आपके सामने झुकेंगे यीशु के नाम में. Every debate will become declaration in Jesus name. और हर एक जो ठुटपन है वो घोषणाओं में बदल जाएंगे यीशु के नाम में. How long we will walk with complaints? How long we will walk with complaints? और कितने समय तक हम लगातार जो है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ऐसा कंप्लेन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे? How long you will keep on talking to God? You have not answered my prayer. और कितने लंबे समय तक आप प्रभु से कहते रहेंगे कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया? How long you will be talking to God, telling only this and that, and you are not doing something to do expand the kingdom of God? और कितने लंबे समय तक हम कहते रहेंगे प्रभु तूने ये नहीं किया वो नहीं किया और कितने लंबे समय तक हम यूं ही बैठे रहेंगे परमेश्वर के राज को बिना फैलाए? But this morning I came to tell you people. Of God. और आज की सुबह मैं आप लोगों को यह बताने के लिए आऊं प्रभु के लोगों. Only two points. दो बातें. And I'm going to talk to you from a great testimony that what God has done in my life. और मैं आपको जो है अपने जीवन की गवाही से बताऊंगा जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया हुआ है. You will be challenged this morning. और आप लोग उत्साहित हो जाएंगे चुनौती पाएंगे आज की सुबह में. Listen to me carefully. आप बड़े ध्यान से मुझे सुने. You are taking a risk.
आप जो है जोखिम उठा रहे हैं. You are taking a risk. आप जोखिम उठा रहे हैं. Your risk has a purpose. और आपके आपके जोखिम का एक उद्देश्य है. That purpose is Jesus Christ. और वो उद्देश्य यीशु मसीह है. Hallelujah. 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 Church, in this morning, in Ajmer, I want you to listen to me carefully. और अजमेर की कलीसिया, मैं चाहता हूँ आज की सुबह आप मुझे बड़े ध्यान से सुने. You are taking a risk. आप जो है जोखिम उठा रहे हैं. Your risk has a purpose. और आपके आपके जोखिम का उद्देश्य है. That purpose is Jesus Christ. और वो जोखिम का उद्देश्य यीशु मसीह है. This morning you can come back to me and telling my prayers are not answered. और आज की सुबह आप मेरे पास में आके कह सकते हैं कि मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला. This morning you can come and tell me I had been coming to the church discipline but I am not getting anything that I wanted in my life. और आप कह सकते हैं मेरे पास में सुबह आकर के कि मैं अनुशासित रूप से कलीसिया में आ रहा हूं परंतु मेरे कुछ हो नहीं रहा है. But I want to tell you people of God. परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों. God is not in the womb of Mary. और परमेश्वर जो है वो मरियम के पेट में नहीं है, गर्भ में नहीं है. God is not in the tomb of Jerusalem. और यरूशलेम के उस गुफा में, उस कब्र में यीशु मसीह नहीं है. But God is on the throne. परंतु परमेश्वर जो सिंहासन पर है. God is on the throne. परमेश्वर सिंहासन पर है. Whether your prayer are answered or not. आपकी प्रार्थना को उत्तर मिला या नहीं मिला. Whether you believe it or not. आप विश्वास करते हैं या नहीं करते. Whether you walk in faith or not. आप विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे. This morning church in Ajmer, I want you to know he is not in the tomb, he is not in the womb, he is on the throne to do something supernatural in your life. और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर जो है ना तो घर में है ना तो कब्र में, परंतु वो जो है आज सिंहासन में है और वो आज कुछ अलौकिक करना चाहता है. If your prayers are not answered this morning, यदि आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, ask God to increase your faith. तो आप परमेश्वर से मांगे कि वो आपके विश्वास को बढ़ाए. Ask God to do something supernatural in your life. आप परमेश्वर से मांगे कि वो कुछ अलौकिक आपके जीवन में करे. Because when you walk in natural and normal by people of God, your prayer cannot be answered. क्योंकि यदि आप स्वाभाविक रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे और आत्मिक रूप से नहीं बढ़ेंगे तो आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा. This morning I came to encourage you, all the natural and normal are going to be controlled by the supernatural power of God. मैं आपको बताना चाहता हूं जो स्वाभाविक और प्राकृतिक चीजें हैं वो सारी चीजें जो है अलौकिक रूप से नियंत्रित की जाएंगी. What is the supernatural this morning? और क्या है अलौकिक बातें आज? What is the supernatural this morning? आज की सुबह में अलौकिक क्या है? You and me, we are walk on the floor. और आप जो है जमीन में चल रहे हैं. But Jesus can walk on the waters. परंतु अलौकिक यह है कि यीशु मसीह पानी में चल सकता है. If you believe like Peter, he can make Peter to walk on the waters. और यदि वो जो है पतरस को विश्वास में ला सकता है तो पतरस को वो पानी में भी चला सकता है. If you have that supernatural faith in midst of all the problem you are going through, I came to tell you, even today this morning in the city of Ajmer, my God can do supernatural miracle in your personal walk with God. यदि आज सुबह में जो है आप उस अलौकिक विश्वास को अपने जीवन में लेकर के आएंगे तो मैं आज अजमेर शहर में आपको ये बताने के लिए आया हूं कि वो परमेश्वर आपको जो है अलौकिक रूप से चलाने में मदद करेगा. When circumstances failed you, और जब आपकी परिस्थितियां आपको निराश कर देती हैं. When finances failed you, और जब आपकी आर्थिक स्थिति असफल हो जाती है. When relationship failed you, और जब संबंध टूट जाते हैं. When your expectations are not fulfilled, और जब जो आप आशा कर रहे हैं वो पूरी नहीं होती. That is the right time to come closer to God. वो बिल्कुल सही समय होता है कि आप परमेश्वर के नजदीक में आए. That is the right time to come closer to God. वो बिल्कुल सही समय होता है परमेश्वर के नजदीक में आए. When you have everything, जब आपके पास सब बातें होती हैं. When you are living with the enjoyment and everything, और जब आप सब बातों में आनंद मनाते हुए जीवन को व्यतीत कर रहे हैं. You may not find time to come to God. आपके पास समय नहीं होगा कि आप परमेश्वर के पास में आए. You are busy with your day-to-day work. आप जो है अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यस्त रहेंगे. You are running, running, running to make money. आप जो है भागते रहेंगे कि और ज्यादा कमाएं और ज्यादा कमाएं. But this morning I want to tell you. परंतु आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं. Is there anyone in this place? क्या कोई यहां पर ऐसा है? Are you going through a season of closed door? और आप ऐसे समय से होकर के जा रहे हैं जहां पे सारे दरवाजे आपको बंद लग रहे हैं? Are you living in a season of closed door? और आप क्या ऐसे समय में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं जहां पे सारे दरवाजे आपके लिए बंद हैं? Listen to me carefully. आप बड़े ध्यान से मुझे सुने. Closed door is not a curse. और जो बंद दरवाजे हैं वो श्राप नहीं है. Closed door is not a sin. और जो बंद दरवाजे वो पाप नहीं है. Closed door is not a loss. और जो बंद दरवाजे हैं वो घाटा नहीं है. Closed door is not a punishment. और बंद दरवाजे जो है वो आपके ऊपर दंड नहीं है. Closed door is a blessing this morning. और जो बंद दरवाजा वो आज आप सुबह आपके लिए आशीष है. Church, are you listening to me this morning? क्या कलीसिया आप मुझे सुन रहे हैं? Church, are you listening to me this morning? क्या कलीसिया सुबह मुझे सुन रहे हैं? Closed door is a blessing this morning. और जो
अपन दरवाजे वो आज की सुबह में आपके लिए आशीष है. In midst of all open doors, और सारे खुले दरवाजों के मध्य में, you don't know which door you can go, आपको पता नहीं चलता कि आप कौन से दरवाजे से जाएं, you know which window you can go, और कौन से खिड़की से आप निकल जाएं, when you are walking through a season of, you know, kind of a confusion, और जब आप असमंजस की स्थिति में से होकर के जाते हैं, my God keep you in a season of closed door, और परमेश्वर आपको ऐसे समय में लेकर के आता जहां पे बंद दरवाजा मिले. You know why? कि आप जानते हैं क्यों? You know why? आप जानते हैं क्यों? Closed door, क्योंकि बंद दरवाजा supposed to bring you more closer to God. और जो बंद दरवाजा है वो आपको और परमेश्वर के नजदीक लेकर के आता है. Closed door supposed to bring you more closer to God. जो बंद दरवाजा है वो आपको और परमेश्वर के नजदीक लेकर के आता है. Closed door is supposed to bring you more closer to God. और बंद दरवाजा आपको और परमेश्वर के करीब लेकर के आता है. When you don't know where to go. आप जब जानते हैं, आप नहीं जानते कि आपको कहां जाना है. When you know what to do, और आप नहीं जानते कि आपको क्या करना है. You are living in a season of closed door. आप ऐसे दौर में जी रहे हैं जब दरवाजे बंद हैं. To some of you this morning, my God is talking to you very clearly. और आज की सुबह में आप में से कुछ लोगों से मेरा परमेश्वर बिल्कुल साफ तौर से बात कर रहा है. You are in a verge of taking some decision this morning. आज सुबह में जो है आप कुछ निर्णय लेने वाले हैं. You are verge of doing some action this morning. आज सुबह में जो है आप कुछ कार्य करने वाले हैं. I came to tell you only two points. आपको मैं दो बातें बताने के लिए आया हूं. Are you ready? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? Church, are you ready this morning? कल से क्या आप तैयार हैं सुबह में? In that season. और ऐसे समय में. In that season of closed door. और उस बंद दरवाजे के सदौर में. What we should do? हम क्या करें? Number one. पहली बात. Stand firm. आप दृढ़ता से खड़े रहें. Amen. Amen. Church, can you tell me this morning? कल से क्या आप मुझे बता सकते हैं? Tell with Nishikant. Stand firm. मेरे साथ ने कहे दृढ़ता से खड़े रहें. मेरे साथ कहें, आप सब मेरे साथ कहें, दृढ़ता से खड़े रहें. हालेलुया, हालेलुया. डोंट डू एनीथिंग. आप कुछ ना करें. स्टैंड फर्म. आप दृढ़ता से खड़े रहें. स्टैंड फर्म इन द डिसीजन यू हैव टेकन. और जो निर्णय आपने लिया है उसमें दृढ़ता से खड़े रहें. स्टैंड फर्म इन द प्रॉमिसेस व्हाट गॉड हैज गिवन टू यू. और जो वादे परमेश्वर ने आपको दिए उसमें दृढ़ता से खड़े रहें. स्टैंड फर्म द प्रोफेसीज दैट केम अपॉन यू. और जो भविष्यवाणी आपके लिए की गई है उसमें दृढ़ता से खड़े रहें. हालेलुया, 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 हालेलुया. यू नो व्हाई? क्यों? आप जानते हैं क्यों? व्हाट यू आर गोइंग थ्रू इज बिटर. और जिस बात से, जिस दौर में से आप होकर के जा रहे हैं वो कड़वा है. बट परंतु द बेस्ट इज येट टू कम. जो सबसे अद्भुत, अच्छा है, भला है वो अभी भी आने पर है. इन मिडस्ट ऑफ द बिटर यू आर गोइंग थ्रू. और जो कड़वाहट से आप होकर के जा रहे हैं. व्हाट माय गॉड विल गिव यू इज नॉट अ बेटर. और जो आपको परमेश्वर दे रहा है वो काफी अच्छा नहीं है. बट इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट. परंतु वो और उससे अच्छा देने वाला है. इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट. और वो उससे और अच्छा देने वाला है. इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट. और वो उससे और अच्छा देने वाला है. द ओनली थिंग यू नीड टू डू. और आपको केवल एक बात करने की जरूरत है. स्टैंड फर्म इन द लॉर्ड. आप परमेश्वर में दृढ़ता से खड़े रहें. वेव्स कैन कम. और जो जो लहरें वो आएंगी. स्टॉर्म्स कैन कम. और जो तूफान वो आएगा. साइक्लोन कैन कम. और जो बड़ा तूफान है वो भी आएगा. रेन्स कैन कम. और बारिश भी आएगी. बट यू आर सपोज टू स्टैंड फर्म. परंतु आपको दृढ़ता से खड़े रहने की जरूरत है. चर्च इन अजमेर दिस मॉर्निंग. और कलीसिया अजमेर में आज सुबह में. व्हेन योर प्रेयर्स आर नॉट आंसर्ड. जब आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है. व्हेन योर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट. और जब आपकी जो आपने आशा कर रखी वो पूरी नहीं होती है. व्हेन यू गो थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस. और जब आप जो आर्थिक कमजोरी में होकर जाते हैं. डोंट डू एनीथिंग. आप कुछ ना करें. स्टैंड फर्म. आप दृढ़ता से खड़े रहें. कैन यू से हालेलुया? क्या आप कह सकते हैं हालेलुया? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट गॉड इज स्पीकिंग टू यू दिस मॉर्निंग? आप में से कितने लोग महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है सुबह? After 5 minutes, I will get into the word. और 5 मिनट में मैं जो है परमेश्वर के वचन से आपको बताऊंगा. I will close within the given time. Don't worry. और मैं जो है तय समय में ही खत्म करूंगा. But I want to encourage you this morning. परंतु मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ. People knows the word of God. पर लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं. But they don't know the practicality to apply the word of God. परंतु वो परमेश्वर के उस वचन को प्रायोगिक रूप से कैसे इस्तेमाल करना उसे नहीं जानते. Are you with me this morning? क्या आप मेरे साथ में आज सुबह में? Number one. पहली बात. Stand firm. आप दृढ़ता से खड़े रहें. Okay brother, I will stand firm. हाँ ठीक है भाई, मैं दृढ़ता से खड़ा रहूंगा. After what shall I do? परंतु उसके बाद मैं क्या करूं? मेरा पास मुंह है, मेरा पास हाथ है, मेरा पास पैर है, मेरा पास दिमाग है. कुछ तो करना पड़ेगा. You know, I have to do something. और मुझे कुछ तो करना पड़ेगा. But there, God wants you to do something. परंतु वहाँ पे परमेश्वर, जहाँ पे आप दृढ़ता से खड़े, वहाँ पे परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ करें. Stand firm. आप दृढ़ता से खड़े रहें. Amen. Amen.
But for Indians, it is very difficult. परंतु भारतीय लोगों के लिए दृढ़ता से खड़े रहना बहुत मुश्किल है. Especially our beautiful sisters. और खास तौर से हमारी सुंदर बहनों के लिए. Very difficult. बहुत कठिन है. तब तक पड़ोसी से ये चूड़ीदार कहाँ से लाया? ये पट्टी साड़ी कहाँ से आया? आप कब माँ की घर से वापस लौटे? वो कौन सा परफ्यूम इतना खूबसूरत लग रहा था, स्मेल? ये सब बात करते नहीं हुए हम क्या नहीं कर सकते हैं? छुप नहीं रह सकते. बट परंतु मैं क्या ना, आई वॉन्ट टू टेल यू, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टैंड फॉर्म, आप दृढ़ता से खड़े रहें. कैन यू डू दैट? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कैन वी टेक द डिसीजन एज अ चर्च दिस मॉर्निंग? क्या कलीसिया के रूप में आज सुबह में हम निर्णय ले सकते हैं? See, I am giving you some kingdom secrets this morning. और मैं आपको आज राज की कुछ गुप्त बातें, रहस्यमय बातों को बता रहा हूँ. The testimony I am going to share with you after 15 minutes. और 15 मिनट बाद में आपके साथ में गवाही को बांटूंगा. I am not talking 2017 year old stories. और मैं 2017 वर्ष पुरानी कहानी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. I am talking a story which is happened now. परंतु मैं उस कहानी के बारे में, उस गवाही के बारे में बात कर रहा हूं जो अभी हुआ है. नॉट इन अदर्स लाइफ, और किसी और के जीवन में कुछ बात हुई उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं. इन माई लाइफ, मेरे जीवन में जो बात हुई उसके बारे में बात कर रहा हूं. आमेन, आमेन. सी, व्हेन यू फॉलो द किंगडम प्रिंसिपल्स, जब आप परमेश्वर के राज्य के उन नियमों को मानते हैं और उसके पीछे चलते हैं, इट इज वेरी इजी टू रिसीव miracles. तो ये बहुत आसान हो जाता है कि आप उन चमत्कारों को प्राप्त करें. You might be praying. आप हो सकता है प्रार्थना कर रहे हो. You might be fasting. आप हो सकता है उपवास कर रहे हो. You might be worshiping. और हो सकता है आप आराधना कर रहे हो. But परंतु you are also worrying. परंतु आप चिंतित भी हैं. You also feel sorry. और आपको जो है बड़ा बड़ा दुख भी होता है. But परंतु number one, पहली बात, stand firm. आप दृढ़ता से खड़े रहें. Amen. Amen. Can you tell your पड़ोसी? अपने पड़ोसी से कहें, हिंदी में बोले, दृढ़ता से खड़े रहें. अपने पड़ोसी से बोले, दृढ़ता से खड़े रहें. हिंदी में अरे भाई, में बोले, दृढ़ता से खड़े रहें. ऐसा देसी, देखो मैं दिल्ली से आता हूँ. राजस्थान का संस्कार हमारे पास नहीं है. हम वैसे ही पास्टर ने बोला कि हम लोग मद्रासी हैं. साउथ इंडियन का खिचड़ी हिंदी यू नो हम लोग मिलके बोलते हैं. ऐसा बोलते हैं, अरे बाबा तू तैयार है क्या? वो हमारा हिंदी है दिल्ली का. थोड़ा ऐसे होता है पास्टर जी, यूपी का, बिहारी का, पंजाब का, सब मिलके हम क्या करते हैं, बोलते हैं. अब पड़ोसी से पूछें, अरे बाबा तैयार है क्या? जोर से, जोर से. मेरे को पता है सुबह आपने नाश्ता नहीं किया, जाके कर लेना. लेकिन अभी हम बोले, अरे बाबा तैयार है क्या? किसके लिए? किसके लिए? खड़े रहने के लिए नहीं, स्थिर. देखिए, खड़ा तो हम वैसे ही रहते हैं. चर्च में 3 घंटा तत्काल टिकट बुक करने के लिए लाइन भर, रेशन में सामान लेने के लिए, बच्चे का स्कूल फीस भरने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए. हिंदुस्तान की तरह कोई भी लाइन में खड़ा नहीं हो सकता. मैं भी पूरा देश घूम चुका हूँ. हमारा तरह लोग, मैं तो सुनता हूँ, तत्काल में टिकट काटने के लिए बिस्तर बिछा के भी सो जाते हैं लोग, राइट? लेकिन आज व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू, इट्स नॉट जस्ट स्टैंडिंग, नो. और मैं जो आज आप लोग से बात कर रहा हूं, केवल वो खड़े होने के बारे में नहीं है, स्थिर खड़ा होना, परंतु स्थिरता से खड़ा. हालेलुया. चर्च, दिस मॉर्निंग आई वांट टू चैलेंज यू, वुड यू बी एबल टू स्टैंड फर्म इन मिडस्ट ऑफ ऑल द क्लोज्ड डोर इन जीसस नेम? और आज कलीसिया में आज पूछना चाहता हूं कि सारे बंद दरवाजों के मध्य में भी क्या आप स्थिरता से खड़े रहेंगे? When the report come, doctor says you have a third stage cancer, would you be able to stand firm for God? और जब आपके पास में डॉक्टर की रिपोर्ट आती है कि आपको जो है वो थर्ड स्टेज कैंसर हो गया है, तो क्या आप दृढ़ता के साथ में स्थिरता में खड़े रहेंगे? When you walk into the office expecting a promotion, but you got a demotion, in that situation you will be able to stand firm for God. और जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं कि आपको आशा है कि आपकी पदोन्नति होगी, परंतु जैसे ही आप ऑफिस जाते हैं आपकी पदोन्नति घटा दी गई, आप नीचे कर दिए गए हैं, तो क्या आप स्थिरता से दृढ़ता में खड़े रहेंगे? We expected some finances to come, but that bank told you we cannot give you loan in midst of all the expectation of the construction of your home. In that situation would you be able to stand firm for God? और जब आप अपने घर को बना रहे हैं उसके लिए बैंक में लोन अप्लाई किया है, और आप बैंक में जाते हैं कि आपको लोन मिलने वाला है, परंतु वहां पर जाते ही आपको मना कर दिया जाता है कि आपको लोन नहीं मिलेगा, तो क्या ऐसी परिस्थिति में आप दृढ़ता के साथ स्थिर खड़े रहेंगे? It is not your needs.
यदि ये आपकी आवश्यकता नहीं है, इट इज नॉट योर वॉन्ट्स, और ये आप जो चाहते हैं वो नहीं है, इट इज नॉट द आंसर्स, और ये उत्तर नहीं है, इट इज ऑल अबाउट जीसस, ये यीशु के बारे में है, इट इज ऑल अबाउट जीसस, ये यीशु के बारे में है, यू आर टेकिंग अ रिस्क, आप जोखिम उठा रहे हैं, यू आर रिस्क हैज अ पर्पस, और आपका जोखिम का एक उद्देश्य है, दैट पर्पस इज नॉट योर हीलिंग, और वो उद्देश्य आपकी चंगाई नहीं है, दैट पर्पस इज नॉट योर नीड्स, और वो उद्देश्य जो है आपकी आवश्यकताएं नहीं है, दैट पर्पस इज नॉट योर फाइनेंस, और वो आवश्यकताएं आपके आर्थिक स्थिति नहीं है, दैट पर्पस इज जीसस दिस मॉर्निंग, परंतु वो उद्देश्य यीशु मसीह आज की सुबह में, व्हेन यू हैव जीसस, जब आपके पास यीशु होता है, यू विल हैव एवरीथिंग, आपके पास सब बातें होंगे, यू विल हैव एवरीथिंग, आपके पास सब बातें होंगी, फाइनेंस इज समथिंग, और आर्थिक चीजें, फाइनेंस इज समथिंग, और आर्थिक बातें कुछ और हैं, Healing is something, और चंगाई कुछ और है, Relationship is something, और जो संबंध है वो कुछ और है, But Jesus is everything, परंतु यीशु मसीह सब कुछ है, But Jesus is everything, यीशु मसीह सब कुछ है, Church in Ajmer this morning, और कलीसिया अजमेर में आज की सुबह में, When you come to the house of God, जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं, When you lift your hands to worship the living God, और जब आप चित्त परमेश्वर को आराधना करने के लिए अपने हाथों को उठाते हैं, Don't worship for something, आप कुछ प्राप्त करने के लिए उसकी आराधना ना करें, Don't worship for something. आप उस कुछ प्राप्त करने के लिए उसकी आराधना ना करें. Worship the one who is everything. और आप उसकी आराधना करें जो सब कुछ है. That his name is Jesus. और उसका नाम यीशु है. That his name is Jesus. उसका नाम यीशु है. You are risking as a purpose this morning. और आपकी जो जोखिम है वो उसका एक उद्देश्य है. Don't make that purpose is some materialistic. No. और आप जो है उस उद्देश्य को कुछ चीजों में ना डाल दें. नहीं. That purpose is Jesus this morning. देश केवल यीशु मसीह है. Are you with me this morning, friends? क्या आप मेरे साथ हैं मित्रों? Are you with me this morning? आप मेरे साथ में हैं मित्रों? The number one decision I want you to take. और मैं एक चाहता हूँ, एक निर्णय जो आज आप ले. Stand firm. आप दृढ़ता से खड़े रहें. Amen. Amen. मैं आपको कहता हूँ, खड़े होकर तो देखो. खड़े होके तो देखो. मेरी हिंदी अच्छा नहीं है, माफ करो. अच्छा है, थैंक यू. जय मसीह. नमस्ते. खड़ा ओके तो देखो. आमीन. आमीन. आई चैलेंज यू दिस मॉर्निंग. और मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूं. If your husband is not good, यदि आपका पति अच्छा नहीं है, खड़ा होके देखो. आप दृढ़ता से खड़े होकर के देखो. Your owner CEO is not good. यदि आपका मालिक ठीक नहीं, अच्छा नहीं है, खड़ा होके देखो. आप खड़े होकर के देखें. Doctor told you will die. और डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आप मर जाएंगे. खड़ा होके देखो. आप खड़े होकर के देखो. सुन रहे हैं मेरी बात को? आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हैं? कड़ा ओके देखो. यस्टरडे आई वाज टॉकिंग विद निशिकांत. और कल के रोज में निशिकांत से बात कर रहे थे. वी वांटेड टू कम एट 2:00. और 2 बजे आने का योजना बना रहे थे. बट होली स्पिरिट टोल्ड मी आई हैव टू कम. और पवित्र आत्मा ने इनसे बोला कि आपको सुबह जल्दी आना है. बिकॉज सम ऑफ यू इन दिस प्लेस to need to be touched by the word of God today. और क्योंकि आप में से कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्हें परमेश्वर के वचन की तरह छुए जाना जरूरी है. You know, Holy Spirit was pumping me. Go, go, go. और पवित्र आत्मा जो है इन्हें बार बार दबा रहा था कि तुम जाओ जाओ जाओ. I'm not wasting my time. मैं अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहा हूँ. I woke up at 5. I came at 8:30. Not to waste my time, but to invest my time. To in some people's life, and I can tell you with a faith that your life will not be the same. और जो है मैं सुबह 5 बजे उठ करके 8:30 बजे यहाँ पर पहुंच गया. और मैं अपना समय बर्बाद करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, परंतु मैं अपने समय को यहाँ पर निवेश करने के लिए आया हूँ, ये बताने के लिए आप में से कुछ लोगों को कि आप परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा. Can we read one verse? क्या हम एक वचन पढ़ सकते हैं? Help me in Hindi. आप हिंदी में पढ़ने में मदद करें. मरकुस. मरकुस. You say Marcus? Marcus. 5. उसका पांचवा अध्याय 35 and 36.
मरकुस उसका पांचवा अध्याय इट्स अ वेल नोन बाइबल उसका 35-36 पर इट्स अ वेल नोन बाइबल वर्स और ये बहुत ही जाना माना जो है बाइबल का पद है बट वी विल नो समथिंग अननोन और कुछ हम जो यहां पर नहीं सुने हैं उसके बारे में हम लोग सुनेंगे ओ मैं नहीं पढ़ सकता समबडी कैन रीड मरकुस रचित सुसमाचार यस उसका पांचवा अध्याय यस और 35वां वचन वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई अब गुरु को क्यों दुख देता है जो बातें वे कह रहे थे बस एक मिनट जस्ट वेट एंड हेल्प मी ओके होल्ड ऑन देयर वेल ही हैड स्पेक देयर केम फ्रॉम द रूलर ऑफ द सिनेगॉग हाउस सडन व्हिच सेड थाय डॉटर इज डेड व्हाई ट्रबलेस्ट थाउ द मास्टर एनी फर्दर और वो कहता है वह कही रहा था कि आराधना के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई है अब गुरु को क्यों दुख देता है वी नो द स्टोरी हम का इस कहानी को जानते हैं अच्छे से इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू दिस मॉर्निंग और जो आज मैं उस सारांश में आपको बताना चाहता हूं कि उस बारे में जिसमें हम बात कर रहे हैं वी नो इट इज द डॉटर ऑफ जाइरस हम जानते हैं ये जाइरस की बेटी है सो शी वाज 12 इयर्स ओल्ड और वो 12 साल की थी 12 इयर इज नॉट अ एज टू डाई और 12 साल की उम्र मरने की नहीं है 12 year is not a age to die. और 12 साल की उम्र मरने के लिए नहीं है. So when Jairus daughter is sick. और जब जायरस की बेटी जो वहाँ बीमार थी. She was not dead. और वो वहाँ पे मरी नहीं थी. She was just sick. और वो वहाँ पे बीमार थी. But Jairus knows Jesus can heal the sick. पर जायरस जानता था कि यीशु मसीह बीमार को ठीक कर सकता है. Listen to me carefully. Jairus knows that Jesus can heal the sick. और वो यार जानता था कि जो है यीशु मसीह बीमार को ठीक कर सकता है. You know something about Jesus this morning. और आप यीशु मसीह के बारे में आज सुबह कुछ जानते हैं. But I came to tell you, you can better know more things about Jesus. और आप यीशु के बारे में और कुछ बातों को भी आज जान सकते हैं. बताने में आपको आया हूँ. You cannot be just reading about ABCD of Jesus Christ. और आप जो है केवल यीशु मसीह के बारे में जानकारी प्राप्त न करें. You have to graduate in the kingdom of God. परंतु आप जो है यीशु मसीह के उन बातों में आप ग्रेजुएशन करें. You have to know more about God Jesus Christ. आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में और बातों को आप जानें. Jairus knows Jesus can heal the sick. और यह जानता था कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर सकता है. So when daughter was sick, परंतु जब उसकी बेटी बीमार थी इसलिए Jairus go to Jesus. यह यीशु के पास आता है. Jesus. और यीशु के पास में आया. My daughter is sick. और यीशु के पास आके कहा यीशु मेरी बेटी बीमार है. I know. मैं जानता हूँ. You are the life. आप वो जीवन हैं. You are the way. और आप मार्ग हैं. You are the truth. और आप सच्चाई हैं. My daughter is dying in the house. और मेरी बेटी घर में मर रही है. I am not going to the hospital. और मैं जो है अस्पताल नहीं जा रहा हूँ. When Jesus can heal my daughter. और मेरा जब यीशु मसीह मेरी बेटी को चंगा कर सकता है. Jesus come to my home. यीशु इसलिए मेरे घर आए. So when you call Jesus, he will come. और जब आप यीशु को बुलाते हैं वो आता है. Politicians may not come. हो सकता है जो राजनीतिज्ञ है वो लोग ना आए. Educated doctors cannot come. और जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वो लोग ना आए. MPs and CEOs will not come. और जो बड़े मंत्री हैं और जो बड़े बड़े मुख्य स्थानों में हैं वो अफसर हैं वो लोग नहीं आएंगे. But when you call upon Lord Jesus Christ, पर जब आप प्रभु यीशु मसीह को बुलाते हैं, wherever you are, और जहां कहीं पर भी आप हैं, however you are, और जैसे कहीं भी आप, whoever you are, और कोई भी आप क्यों ना हो, whatever you do, और आप कुछ भी क्यों ना करते हो, my Jesus will come to you. और मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके पास आएगा. My Jesus will come to you. प्रभु यीशु मसीह आपके पास आएगा. You are taking a shawl. आप शॉल लेते हैं. You are taking a bouquet. और आप बुके लेते हैं, फ्लावर फूल लेते हैं. You go to the collector. आप कलेक्टर के पास जाते हैं. You go to the chief minister. आप मुख्यमंत्री के पास जाते हैं. Waiting. आप उनका इंतजार करते हैं. दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, you are waiting. और आप दो तीन घंटा, चार घंटा आप इंतजार ही कर रहे हैं. The collector just walk out. और वो जो है उस फूल को लेते हैं और आप वहां से चले जाते हैं. And you're telling, sir, 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 sir. और आप उनके पीछे पीछे जाते हैं, सर 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 सर. मैडम 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 मैडम. आप कहते हैं मेरा 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 स्कूल आइए. मेरे स्कूल में आइए. मेरा चर्च में आइए. मेरे चर्च में आइए. यू गिव बुके. आप जो है उनको गुलदस्ता देते हैं. यू गिव शॉल. आप उनको शॉल देते हैं. दे जस्ट थ्रो. और वो उसे फेंक देते हैं थोड़े समय. दे डोंट रिस्पेक्ट यू. वो आपका आदर नहीं करते हैं. दे डोंट रिस्पेक्ट यू. वो आपका आदर नहीं करते हैं. बट यू रिस्पेक्ट देम. आप उनका आदर करते हैं. यू वेस्ट योर टाइम. आप अपना समय उनके साथ व्यर्थ करते हैं. बट व्हेन जाइरस केम टू जीसस. पर जब याइर यीशु के पास आया. जीसस नेवर सेड नो. यीशु ने नहीं कहा नहीं. आई विल कम. यीशु ने कहा मैं आऊंगा.
Amen. Amen. Church in Ajmer this morning. और अजमेर की कलीसिया सुबह में डोंट वेस्ट योर टाइम इन वेल नोन पीपल. आप जो जाने माने लोग हैं हस्तियां हैं उनके पीछे भागते हुए अपना समय बर्बाद डोंट वेस्ट योर टाइम विद द सेलिब्रिटीज. और आप जो है जाने माने लोग फेमस लोगों के पीछे भागते हुए अपना समय व्यर्थ ना करें. डोंट गो आफ्टर सुपरस्टार. आप जो सुपरस्टार है उनके पीछे भागते हुए अपना समय व्यर्थ ना करें. सुपरस्टार कैन नॉट टेक यू टू हेवन. और जो सुपरस्टार है वो आपको स्वर्ग में नहीं ले जा पाएंगे. ओनली जीसस कैन टेक यू टू हेवन. केवल यीशु मसीह आपको स्वर्ग में लेके जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. Now Jesus is on the way. अब यीशु जो है वो मार्ग में है. जायरस के घर पे आ रहे हैं. वो याइर के घर जा रहा है. जायरस के घर पे आ रहे हैं. याइर के घर जा रहा है. घर पहुंचते पहुंचते और घर पहुंचते पहुंचते he got a news. और उसको एक संदेश मिला. Another news. और दूसरा संदेश. Read 35 and 36. Once again 35 and 36. फिर से 35 और 36. Now अब ध्यान से सुने. अब बिल्कुल ध्यान से सुने. What I told you in that context, listen to this word. और जो अभी मैंने आपको बताया उसमें आप बड़े ध्यान से सुने. वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई. पहले, let me speak in Hindi for 1 minute. पहले बेटी बीमार थी. बोलो बोलो. अभी इसके बीच में पिता किसके साथ है? डॉक्टर के साथ है क्या? एमएलए के साथ है क्या? एमपी के साथ है क्या? अपना मनमर्जी कर रहा है क्या? किसके साथ है? जोर से कलेशिया जायरस किसके साथ है? पहले बेटी कैसी थी? अभी यस द बेस्ट बिकम्स वर्स्ट. और जो सबसे अच्छा था वो सबसे बुरा हो गया. इवन व्हेन यू आर विद जीसस, जब आप यीशु के साथ भी होते हैं, योर डोर्स कैन बी क्लोज्ड. आपके दरवाजे बंद हो सकते हैं. योर सर्कमस्टेंसेस कैन गो वर्स्ट. और आपकी परिस्थितियां बहुत बुरी हो सकती हैं. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, दृढ़ता से स्थिर खड़े रहें. कुछ लोगों को पता चल रहा है, कुछ लोगों को नहीं पता चल रहा है. भैया मैं झंडा नहीं चढ़ा रहा हूं 26 तारीख को. आई वॉन्ट यू टू नो इन मिडस्ट ऑफ वर्स्ट क्लोज्ड डोर स्टैंड फर्म. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारी बुराई के बीच में सब दरवाजे जब बंद हो आप दृढ़ता से स्थिर खड़े रहें. आमेन. आमेन. यू नो व्हाई? आप जानते हैं क्यों? लेट मी क्लोज बिकॉज माई टाइम इज रनिंग. आई हैव टू क्लोज इट सो क्विक. यू नो व्हाई? आप जानते हैं क्यों? जायरस नोस जीसस था कि जीसस कैन हील द सिक. और यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर सकता है. बट देयर इज समथिंग जायरस डजंट नो. परंतु कुछ बात थी जिसे याइर भी नहीं जानता था. दैट्स व्हाई जीसस डिलेड. और इसीलिए यीशु रुका रहा. दैट्स व्हाई जीसस मेड बेटर टू वर्स्ट. और जो अच्छा था उसे यीशु मसीह ने और बुरा कर दिया. यू नो व्हाई? आप जानते हैं क्यों? मोर देन यूर हीलिंग. और आपकी चंगाई से कहीं ज्यादा. मोर देन यूर पीस. और आपकी शांति से कहीं ज्यादा. जीसस इज कंसर्न अबाउट यू. यीशु मसीह आपकी चिंता करता है. आमेन. आपको शांति मिल गया, आपको चंगा मिल गया, लेकिन आप यीशु को छोड़ दिया, क्या फायदा? इसलिए यीशु पहले क्या करता है, आशीष देने के पहले हमको सिखाता है. कितना यीशु को पिता दोस्त मां करके पुकारते हैं उतना ही यीशु एक टीचर है. बिना शिक्षा की बच्चे खराब हो जाते हैं. आप 50-60 साल हो सकते हैं लेकिन मसीह में पादरी साहब को आप बच्चे हैं. आमीन. सो कभी कभी वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं अच्छे दिल से, लेकिन वो प्रार्थना का उत्तर दूसरा मोड़ लेता है. इसका मतलब ये नहीं है उनका प्रार्थना में शक्ति नहीं, ये नहीं है परमेश्वर आपको मदद नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पहले बढ़िया आशीष देने के पहले आपको बढ़िया बंदा बनाना चाहता है. Hallelujah. 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 Jairus knows Jesus can heal the sick.
यही जानता था कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर सकता है. But what Jesus is trying to tell Jairus? परंतु यहाँ पे यीशु क्या बताना चाहता था? 35-36 again. तेरी बेटी तो मर गई. हाँ. अब गुरु को क्यों दुख देता है? देखो जो नौकर आया था उसको भी बताता बीमार में रहने वालों को यीशु चंगा कर सकता है. कोई मर गया है तो उसको यीशु के पास नहीं लाना चाहिए, कब्रस्तान लेकर जाना चाहिए. इसलिए नौकर कह रहा है अभी मालिक को तंग मत करो. हिंदी ठीक है? ठीक है. आमीन. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. सो यू आर नॉट सपोज्ड टू टेल जीसस यू डोंट नो व्हाट इज माय प्रॉब्लम. आप इसीलिए यीशु को ना कहेंगे तू नहीं जानता मेरी क्या समस्या है. फर्स्ट डॉक्टर वाज सिक. पहले जो बेटी बीमार थी. नाउ डॉटर इज डेड. अब वो बेटी मर गई है. आमीन. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. नाउ जायरस को क्या करना चाहिए? अब याइर को क्या करना चाहिए? लेकिन नौकर क्या बोल रहा है? अब नौकर पर यहाँ के क्या कह रहा है? पढ़ो पढ़ो भाई. 36-35 तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? अरे यार भाई, यीशु को क्यों तंग करता है यार? यीशु बेचारा सिर्फ चंगा कर सकता है. मर गया तो उसको तो कब्र में लेके जाना है. यीशु के पास कुछ ही काम है. यीशु सब कुछ नहीं कर सकता. सुनिए सुनिए क्या बात है. क्या बात है. अजमेर बहुत बढ़िया है. Hallelujah. Hallelujah. But God wanted to teach Jairus, I can do something better than this. और ये परमेश्वर जो है याइर को बताना चाहता कि मैं इससे भी कुछ अद्भुत कर सकता हूँ. Hallelujah. 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 36. जो बातें वे कह रहे थे. बोलो जो बातें वे. कौन वे? वे वे बोलिए वे. डॉक्टर वे. लॉयर वे. बैंकर वे. पड़ोसी वे. दुष्टात्मा नराश की आत्मा बीमार की आत्मा कह रहे थे. तब उसको यीशु ने अनसुनी कर कहे. यीशु ने क्या कहा? वो मेरे को सुनना नहीं है. पड़ोसी के बोलो कुछ बातों को अनसुनी करना है. जोर से कुछ बातों को सुनना नहीं. कुछ बातों को सुनना नहीं. हमारा प्रॉब्लम क्या पता है? यदि हम अगर यदि हम सुनते हैं वी एक्ट. हम जो है उस पर कार्य करने लगते हैं. ऐसा क्या? अच्छा ऐसा हुआ क्या? कैंसर है. 5 लाख चाहिए. 5 लाख चाहिए. अरे यार सब कुछ उसके पास है. 5 लाख कौन सी बड़ी बात है? हालेलुया. आमीन. बात तो ऐसा करते हो कि एक ही रात में मोदी भाई ने सारा रुपया बदल दिया. अरे भाई वो इधर का बदल सकता उधर का नहीं बदल सकता. आमीन. हालेलुया. 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 मैं हिंदी में बोलता हूँ, मेरा परमेश्वर कहने वाला नहीं, मेरा परमेश्वर करने वाला है. आमेन. हालेलुया. यदि वो समुद्र में चल सकता है मेरे जीजो, आपकी हर एक समस्या को मैं कहता हूँ, आपकी हर एक समस्या को दूर कर सकता है. थाली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें. जाइरस नोस जीसस कैन हील द सिक. यही जानता था कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर सकता है. But Jesus don't want to hear certain things. परंतु यीशु कुछ बातों को नहीं सुनना चाहता है. Who are you? आप कौन है? You are sons and daughters of Jesus. आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं. आपकी किसकी परिचय में चलना चाहिए? आपको किसकी परिचय में चलना चाहिए? You have to walk in the pathway of Jesus. क्या आप यीशु के मार्ग में चलना चाहते हैं? When doctors tell you, और जब डॉक्टर आपसे कहते हैं, you have a sickness. कि आपके पास आप बीमार हैं, मत सुनो. आप उसे ना सुने. यू हैव समवन कॉल्ड डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स. आपके पास क्योंकि कोई डॉक्टरों का भी डॉक्टर है. आमेन. आमेन. माय वाइफ डिलीवर्ड अ थर्ड बेबी. और इनकी पत्नी ने जो है तीसरे बच्चे को उत्पन्न किया. द फर्स्ट बेबी सेकेंड बेबी एंड थर्ड बेबी वी हैव 10 ईयर्स गैप.
और दूसरी बेटी और तीसरी बेटी के बीच में जो है 10 साल का जो है गैप है. सो ऑल वुमन यू कैन अंडरस्टैंड देयर विल बी लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. तो आप सारी महिलाएं आप लोग जानते हैं कि महिलाएं जानते हैं इस बात को कि वहां पे बहुत ढेर सारी कॉम्प्लिकेशंस थी. आई पेड 20,000 एज एन एडवांस टू अ एक्स हॉस्पिटल इन दिल्ली. और जो है वहां पर 20,000 एडवांस दिया अस्पताल को. वी एडमिटेड और इनकी पत्नी को एडमिट कराया. व्हेन वी चेक the entire system of the body aur jab pure sharir ke usko dekha gaya 194 blood pressure 194 blood pressure aur 194 tha bp jo unka tha wo 194 tha. any doctors here koi doctor hai yahan pe? no. we'll pray more doctors will come to the church. hum prarthna karenge ki bahut dher sare doctors yahan kalisiya mein aaye. you know why the testimony I am going to share kyunki jo gawahi main aapko bata raha hu even changed the mentality of doctors through this miracle. इस चमत्कार के द्वारा इस आशकम के द्वारा उसने डॉक्टरों के विचार को बदल दिया. So doctor told me we have to operate your wife so that we can get the baby out. और डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी का जो है ऑपरेशन होगा ताकि बच्चे को जन्म दे सकें. Okay. उन्होंने कहा ठीक है. ऑपरेशन कोई बड़ी बात थोड़ी है. कोई चलता है. उन्होंने कहा ठीक है ऑपरेशन कोई बड़ी बात नहीं होगा. तुमको पैसा चाहिए मेरे को बच्चा चाहिए. ओके खत्म. ऑपरेशन का मतलब वही है. बिजनेस. तुमको पैसा चाहिए मेरे को सुरक्षित बच्चा चाहिए. इसके बीच में बिजनेस. बट आई एम इन ऑल्सो इन टू बिजनेस. और पासवान भी जो है इनका भी व्यापार है बिजनेस है. दैट इज किंगडम बिजनेस. और इनका राज्य का व्यापार है. डॉक्टर आस्क हर इंटेलेक्चुअल. डॉक्टर अपनी बुद्धि से सलाह लेता है. डॉक्टर अपने बुद्धि से सलाह लेता है. बट वी टेक विजडम फ्रॉम हेवन. परंतु हम जो है स्वर्ग से सलाह लेते हैं. सो हम टेंशन नहीं लेता. इसलिए 2017 साल पहले क्रूस में परमेश्वर ने टेंशन ले लिया. आमेन हालेलुया. हमको शांति से काम करने का. क्योंकि मैं दूसरा पॉइंट आपको भी मैं बोला नहीं. सिर्फ क्या बोला आखिरी में बोलूंगा. सो नाउ आई टोल्ड डॉक्टर गिव मी 5 मिनट्स. और उन्होंने कहा डॉक्टर से कि मुझे 5 मिनट दें. आई वॉक आउट. और ये वहां से डॉक्टर के पास निकल गए. आई हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग टू जीसस पर्सनली. और इनका इनका वह व्यवहार है कि वे लगातार यीशु से जो है बात करते हैं. आदत है कि यीशु से बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से. आई हियर द वॉइस ऑफ गॉड. और इन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना. आई टोल्ड गॉड. और इन्होंने परमेश्वर से कहा. फर्स्ट सन नॉर्मल डिलीवरी. पहला बेटा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ. सेकंड डॉटर नॉर्मल डिलीवरी. और दूसरी बेटी नॉर्मल डिलीवरी से हुई. नाउ इट इज थर्ड डिलीवरी. अब ये तीसरी डिलीवरी है. गाइड मी. गाइड मी. मेरी मेरी मेरा मार्गदर्शन करें. स्पीक टू मी. मुझसे बात करें. व्हाट शल आई डू. मुझे क्या करना चाहिए. व्हेन डेविड वाज इन क्राइसिस ही कम टू यू थ्रू प्रेयर. और जब डेविड वाज इन क्राइसिस He go to God through prayer. और जब दाऊद जो है वो विपरीत परिस्थितियों में था घिरा हुआ था तो वो प्रार्थना में परमेश्वर के पास गया. Even become the king when Philistine came to him, he went in prayer to God. और इससे पहले कि वो राजा बना जब परिस्थिति उसके पास में आए तो परमेश्वर के पास गया. So I want to go to God. और इसलिए मैं परमेश्वर के पास गया. 5 minutes. 5 मिनट. I was speaking in tongues. और मैं अन्य भाषा में परमेश्वर से बात कर रहा था. My wife is lying in the bed. और इनकी पत्नी जो है वहां पे बिस्तर में थी. पैसा की टेंशन नहीं है. पैसे का टेंशन नहीं था. वो मिल जाएगा क्योंकि हम पैसा की टेंशन नहीं लेता. खुदा देता है. Amen. So मैं अभी I am walking and speaking in tongues. और ये चल रहे थे और जो है अन्य भाषाओं में बात कर रहे थे. I am speaking in tongues. और ये अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे थे. Immediately. और तुरंत ही. I heard. इन्होंने सुना. I become a lion. और ये जो है तुरंत शेर बन गए. Amen. Amen. I heard one word from Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से एक शब्द को सुना. Hallelujah. Hallelujah. The righteous are look like bold like a lion. और जो जो धर्मी हैं वो शेर के नाई होंगे. Amen. Amen. You know what I heard? और इन्होंने क्या सुना मालूम है? That was in English. और वो इंग्लिश में था. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit told me. और वो पवित्र आत्मा ने इस प्रकार से कहा. Doctors are educated, but my God is a creator. और डॉक्टर जो है वो पढ़े लिखे हो सकते हैं परंतु परमेश्वर जो है वो सृष्टि करने वाला है. Then he told me. और उसने कहा. Education cannot stand before creation. और जो पढ़ाई लिखाई है वो जो है सृष्टि के सामने नहीं खड़ी हो सकती. कदम 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 कदम
Hallelujah. Hallelujah. Now I go to the doctor. और मैं डॉक्टर के पास गया. Doctor, doctor. Doctor, doctor. No more operation. और ऑपरेशन की जरूरत नहीं है. 194, 1004, I have no problem. और 194 हो चाहे 1004 हो कोई समस्या नहीं. I am also son of Abraham. और मैं भी अब्राहम का बेटा हूँ. Not to preach the word. वो प्रचार करने के लिए नहीं. Not to preach the faith. और विश्वास के बारे में बताने के लिए नहीं. But to walk in the faith. परंतु विश्वास में चलने के लिए. I go all over the world to preach the gospel. और मैं सारे संसार में जाता हूँ सुसमाचार सुनाने के लिए. But I get rare opportunity to practice faith. और परंतु मुझे बहुत कम समय मिलता है कि मैं उस विश्वास को प्रायोगिक रूप से इस्तेमाल करूं. I may not have fourth child. और मेरे पास हो सकता है चौथा बेटा ना हो. But when I have third child. परंतु जब मेरे पास तीसरा बच्चा हो. I make sure I operate the faith that God gave to Abraham. और मैं उस विश्वास को कार्यान्वित करूं जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था. I have never seen Abraham. और मैंने कभी अब्राहम को नहीं देखा. I have never seen David. और मैंने कभी दाऊद को नहीं देखा. I have never seen Hannah. और मैंने कभी हन्ना को नहीं देखा. I have never seen Nehemiah. और मैंने यिर्मयाह को नहीं देखा. But I heard the word. परंतु मैंने वचन को सुना. डॉक्टर्स आर एजुकेटेड बट माय गॉड इज अ क्रिएटर. और डॉक्टर तो पढ़े लिखे हैं, मेरा परमेश्वर रचनाकार है. डॉक्टर टोल्ड मी 11:30 मिडनाइट डिसंबर 14th कोल्ड, इफ यू डोंट गो फॉर ऑपरेशन गेट आउट ऑफ माय हॉस्पिटल. और डॉक्टर ने जो है 14 दिसंबर को 11:30 बजे रात को कहा, यदि तुम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते तो मेरे अस्पताल से निकल जाओ. हम क्या करेंगे, हम क्या करते डॉक्टर डॉक्टर. हम क्या करते डॉक्टर डॉक्टर. मेरे से गलती हो गई, मैं थोड़ा सा ऊंचा बात कर लिया, माफ कर दो. हम कहां जाएंगे 11:30 बजे, हम कहां जाएंगे. When Jesus born 2017 years ago, the same condition happened to Jesus to protect the life of Jesus. और जो है 2017 साल पहले जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस समय भी ऐसी परिस्थिति थी कि यीशु मसीह को सुरक्षा मिले. I was a lion. और मैं शेर था. डरा नहीं. मैं डरा नहीं. मैं डॉक्टर को डराना चाह रहा था. मैं डॉक्टर को डराना चाह रहा था. डॉक्टर सोच रही थी ऐसा करके 1,00,000 निकाल देंगे. डॉक्टर ने बोला ऐसे बोलूंगे अस्पताल से बाहर निकल जाओ तो 1,00,000 रुपए तो मिल ही जाएगा. सी नीड्स लैक LIC. और उनको जो है 1,00,000 चाहिए था. बट आई कैनॉट लैक LIC फेथ. परंतु मैं जो है विश्वास में कमी नहीं कर सकता था अपने. आमेन. आई कॉल्ड एम्बुलेंस. और मैंने एम्बुलेंस बुलाया. गॉड गेव अ ब्यूटीफुल वाइफ. और मेरे को बहुत सुंदर पत्नी परमेश्वर ने दिया है. ब्यूटीफुल नॉट ओनली आउटसाइड इनसाइड ऑल्सो. और अंदर से भी वो बहुत सुंदर है. वी थैंक गॉड फॉर दोस वाइफ because of our ministries or success. और ऐसी पत्नियों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उनकी वजह से जो है हमारी सेवकाई सफल होती हैं. वाइफ 9 months. और 9 महीने जो है गर्भ होने की वजह से जो है वो इस प्रकार से चल रही थी इनकी पत्नी. She knows me. और वो इन्हें जानती हैं. I take quick decisions. और उन्हें मालूम है कि मैं बहुत जल्दी निर्णय लेता हूँ. We went 7 hospitals. हम 7 अस्पताल में गए. Nobody take to my wife without operation. और कोई भी अस्पताल जो है बिना ऑपरेशन के जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं था. बोला था ऑपरेशन तो करना पड़ेगा तभी हम भर्ती करेंगे. I went to Safdarjung Hospital. और इसके बाद ये Safdarjung अस्पताल गए. They told we will wait for 10 hours. और उन्हें कहा कि हम 10 घंटे इंतजार करेंगे. My father-in-law told me. इनके ससुर जी ने इनसे कहा. You will make my daughter die. और इनके ससुर ने इनसे कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर जाएगी. I told my father-in-law. और इन्होंने अपने ससुर से कहा. If your daughter die. अगर तुम्हारी बेटी मर जाएगी. My wife also die. मेरी पत्नी भी मर जाएगी. Come we both pray. आए तुम आओ मेरे साथ, हम दोनों मिलके प्रार्थना करेंगे. Amen. दृढ़ता से स्थिर खड़े रहें. बोलने के लिए नहीं, करने के लिए. Amen. Amen. My time is finished. I have to tell quick. 15 hours of fight. और 15 घंटे की उस लड़ाई में. BP never came down. BP जो है वो नीचे नहीं आया. I told doctor. और इन्होंने डॉक्टर से कहा. If my wife die, no problem. अगर मेरी पत्नी मर जाती कोई बात नहीं. But no operation. परंतु ऑपरेशन नहीं होगा. हमें डॉक्टर की बातों में आके पागल मत बन जाना. डोंट बी अ फूल बाय हियरिंग डॉक्टर्स रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स. और आप जो है डॉक्टर के रिकॉर्ड, डॉक्टर के रिपोर्ट्स और डॉक्टर की बातों को सुनकर के जो है बेवकूफ ना, मूर्ख ना बन जाना. माय वाइफ वाज नॉट इन लेबर वार्ड. और इनकी पत्नी लेबर वार्ड में नहीं थी. शी वाज इन जनरल वार्ड. वो जनरल वार्ड में थी. 15th December 12:00 नून. और 15 दिसंबर 12 दिन के 12 बजे सी फेल्ट.
उनको ऐसा महसूस हुआ समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ हर बॉडी कि कुछ ही उनके शरीर से बाहर निकल रहा है नो डॉक्टर कोई डॉक्टर नहीं नो नर्स कोई नर्स नहीं नो असिस्टेंट कोई उनको असिस्ट करने के लिए नहीं बट जीसस वॉज देयर परंतु यीशु वहां पर था ऑफ ऑफ द बेबी और बच्चे का आधा शरीर बाहर आ गया आमीन नो पेन कोई दर्द नहीं हुआ You know what was the weight of the baby? और आप जानते हैं बच्चे का क्या वजन था? 3.8 किलो. और 308 किलो. 3 किलो 8 ग्राम. Sorry, माफ करना. It is not medical miracle. और ये जो है medical चमत्कार नहीं है. It is a supernatural miracle. परंतु ये अलौकिक चमत्कार है. First, can I take 5 minutes? I am not talking about Elkanah. और मैं एलकाना के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। I am not talking about Abraham. और मैं अब्राहम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। Don't think Bible is 6,000 year old story book. No. और आप ऐसा ना सोचें कि बाइबल जो है 6,000 साल पहले पुरानी कहानी है। If you stand firm like Abraham. और आप यदि अब्राहम के समान दृढ़ता से स्थिर खड़े रहेंगे If you stand firm like Hannah, अगर आप हन्ना के समान दृढ़ता से स्थिर खड़े रहेंगे Even today you can receive miracle in Jesus name. आज भी आप यीशु के नाम से चमत्कार को अपने प्राप्त करेंगे Hallelujah. 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 Jairus knows Jesus can heal the sick. और यह जानता था कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर सकता है But there is something Jairus was not knowing. परंतु याइर कुछ बातों को नहीं जानता था Listen to me carefully, 36. और 36 पद को बड़े ध्यान से सुने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके सो डॉक्टर की बात को मैंने क्या किया अरे यार तू जाना तू पढ़ा लिखा तू निकल जा तीन दिन बाद लड्डू लिया डॉक्टर सीमा चौहान के पास वापस गया मैंने लड्डू दिखाया डॉक्टर ने बोला कौन सा हॉस्पिटल मैंने बोला सफदरजंग हॉस्पिटल कौन ऑपरेशन किया मैंने बोला 2017 साल पहले ऑपरेशन हो गया था अभी नॉर्मल में मिल गया था हालेलुया मैंने बोला लड्डू ले लो उसका मुंह छोटा हो गया मैंने बोला लड्डू ले लो वो ले लिया मैंने बोला चेक दे दो 20,000 उसने बोला हमारा पॉलिसी हम पैसा वापस नहीं लेते हैं मैंने बोला हमारा पॉलिसी हम कुछ भी छोड़ते नहीं ₹500 काट के एक घंटे बाद चेक वापस दिया आमीन डॉक्टर कैन क्लोज योर डोर और डॉक्टर आपके दरवाजे को बंद कर सकते हैं बैंक कैन क्लोज योर डोर बैंक आपके दरवाजों को बंद कर सकते हैं लॉयर्स कैन क्लोज योर डोर वकील आपके दरवाजे को बंद कर सकते हैं यू स्टैंड फर्म इन द लॉर्ड आई टेल यू सक्सेस विक्टरी विल बी योर्स इन जीसस नेम और मैं आपको बताना चाहता हूँ आप प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ता से स्थिर खड़े रहे सफलता आपकी होगी यीशु के नाम में हालेलुया आमीन भाई साहब ब्रदर्स भाइयों डोंट टेल यू लव योर वाइफ आप ऐसा ना कहें अपनी पत्नी से आप प्रेम करते हैं स्टैंड फर्म इन फेथ नो ऑपरेशन ओके और आप जो है दृढ़ता से स्थिर खड़े रहें कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आमीन नाउ आई नो आई लव माय वाइफ मैं अभी जानते हैं अपनी पत्नी को कि आप उनकी उनसे प्रेम करते हैं मैं क्योंकि ऑपरेशन नहीं होने दिया भाई तीन बच्चे तीनों नॉर्मल हुए सो गो एंड टेल योर हस्बैंड अरे भाई तुम मुझसे प्यार करता है स्थिर खड़ा होके दिखा विश्वास में आप बीवी को बोलो तुम मुझसे प्यार करती है स्थिर खड़ा होकर दिखाओ हमारा परिवार के लिए आमीन आमीन ऐसा लड़ो अच्छा लगता है परिवार में विश्वास में आगे बढ़ो आमीन कपड़ा नहीं खाना नहीं चटनी नहीं नमक नहीं घर नहीं गाड़ी नहीं कपड़ा नहीं क्या लड़ाई यार लड़ाई में भी स्वाद होनी चाहिए मसीह के अंदर विश्वास में आगे बढ़ने के लिए लड़ो राइट आमीन हालेलुया 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 ये सभी कदम करें 36 और आराधनालय के सरदार से कहा हाँ मत डर बोलो मत डर जोर से अनसुनी करने के बाद बोलो मत डर 5,00,000 चाहिए थर्ड स्टेज कैंसर बाप वो पेशेंट को थोड़ा तो विश्वास था लेकिन तुम मुंह करता वो मर जाता है
तुम्हारा जाने से विश्वास क्या होना चाहिए? भाई मैंने सुना था थर्ड स्टेज कैंसर है, हमारा पड़ोसी को भी थर्ड स्टेज कैंसर था, एक महीना में लटक गया सर, क्या लुढ़क गया, पंजाब में ऐसा बोलता है, एक महीना में क्या हो गया, इसलिए थोड़ा संभाल के खाना होना ढंग से खाओ, दवाई वाई ठीक से खाओ, ऐसा बोलेगा वो एक महीना किया एक दिन भी नहीं रुकेगा। यीशु ने क्या कहा बोलो, Anything can come to you people of God, what my father is talking to you, to the church in Ajmer this morning, fear not. और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, अजमेर की कलीसिया की यदि कुछ भी बात आपके पास में आती है, ओ आप ना डरें। आमीन आमीन। बेटी का लड़का नहीं मिला, उम्र होते जा रहा है, अम्मा अय्या मैं कहता हूं मत डर। और आपको हो सकता है बेटी बेटे के लिए शादी की उम्र होते जा रहा है, परंतु आप डरे नहीं, राजकुमार आ रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको पता है राजकुमार कैसा दिखेगा? आपको मालूम है राजकुमार कैसा दिखेगा? पहले राजाओं का राजा को देखो, मेरे राजाओं के हालेलुया। राजकुमार अपने आप आएगा, ताली ताली ताली। Jairus knows Jesus can heal the sick. और यह जानता था कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर सकता है। But Jairus never know even Jesus can resurrect the dead. परंतु यह नहीं जानता था कि यीशु मसीह मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। Jesus delayed. यीशु मसीह वहां रुका रहा। Jesus waited. और यीशु मसीह इंतजार करता रहा। The sick will die. और जो बीमार है वो मर जाएंगे। Not because Jairus will go to the problem. इसलिए नहीं कि यायरस की वजह से समस्या But Jairus will learn about the promises more. और इसलिए कि अब याइर जो है वादों के बारे में और ज्यादा सीखे। Hallelujah. 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 Jairus came to Jesus. याइर यीशु के पास में आया। Because he knows Jesus can heal the sick. क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर सकता है। But now when he is with Jesus. परंतु जब वो यीशु के पास में है। Everything worse. और अब सब बातें और बुरी हो गई। सब कुछ खराब हो गया। सब कुछ खराब हो गया। But Jesus wanted to teach something to Jairus. और याइर को यीशु मसीह को सिखाना चाहता था। Jesus told Jairus. यीशु मसीह ने याइर से कहा। In midst of all the problem you are going through. ओ सारी समस्याओं के मध्य में जिसमें तुम होकर जा रहे हो। In midst of all the death you are going to. और जो सारी मृत्यु के बीच में से आप होकर के जा रहे हो। In the midst of all the financial crisis you are going through. और सारे जो आर्थिक समस्याओं के मध्य में से जो आप होकर जा रहे हो। Fear not. आप डरे नहीं। Fear not. और डरे नहीं। Fear not. डरे नहीं। I will never leave you. और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। I will never forsake you. और मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। I know your daughter is dead. और मैं जानता हूँ तुम्हारी बेटी मर चुकी है। I know your future is dead. और मैं जानता हूँ तुम्हारा भविष्य खतरे में है। I know you are living in a loan. और अब मैं जानता हूँ तुम अकेले फन में रह रहे हो। I know your visa has not come. और मैं जानता हूँ कि अभी तक तुम्हारा विश्वास नहीं आया है। No, your visa going to abroad. आपको विदेश जाने के लिए आपका वीजा अभी तक नहीं आया है। But I came to tell you today तुम आज आपको बताना चाहता हूं यू आर नॉट अलोन आप अकेले नहीं है यू आर नॉट अलोन आप अकेले नहीं है यू आर विथ जीसस आप यीशु के साथ में है यू आर विथ जीसस आप यीशु के साथ में है व्हेन जीसस वाज इन द बोट और जब यीशु मसीह नाव में था देन स्टॉर्म्स केम और वहां पे बड़ा तूफान आया देन विंड केम और वहां पे बड़ी हवा चली व्हाट हैपेंड और क्या हुआ जीसस रोज अप और वहां यीशु उठ खड़ा हुआ जीसस रोज अप और यीशु वहां उठ खड़ा हुआ Today Jesus want to bring your faith to the top. और आज यीशु चाहता है कि आपका विश्वास और ऊंचे में पहुंचे। In midst of everything. और सारी बातों के मध्य में। In midst of sickness. आपकी बीमारी के मध्य में। In midst of death. और आपके मृत्यु के मध्य में। In midst of financial crisis. और आपके आर्थिक समस्याओं के मध्य में। Church. कलीसिया। Mount Carmel Church in Ajmer, Rajasthan. और Mount Carmel Church अजमेर राजस्थान में। Stand firm. आप दृढ़ता से स्थिर खड़े हो जाएं। Stand firm. और दृढ़ता से स्थिर खड़े हो जाएं। Stand firm. और दृढ़ता से स्थिर खड़े हो जाएं। Anything can move you. और कुछ आपको हिला नहीं सकता। Anything can come to you. और कोई आपको दबा नहीं सकता। But you are going to stand firm. आप दृढ़ता से स्थिर खड़े रहें। What is number two? और दूसरी बात क्या है? Stay calm. आप शांति से चुपचाप खड़े रहें। I finish my message. मेरा संदेश खत्म हो गया। Number one. पहली बात। Stand firm. आप दृढ़ता से स्थिर खड़े रहें। Number two. और दूसरी बात। Don't murmur. आप जो है बुलबुलाएं नहीं। Don't talk stories. और आप जो इधर उधर की बात ना करें ये लड़ाई तुम्हारा नहीं बोलो बोलो
तुम शांत नंबर वन स्थिर नंबर टू आर यू रेडी क्या आप तैयार हैं एवरीबॉडी स्टैंड अप आप सब अपने स्थान में खड़े हो जाए आप जो है एक जोखिम को उठा रहे हैं यू आर रिस्किंग एज अ पर्पस और आपका जोखिम का एक उद्देश्य है एंड दैट पर्पस इज जीसस और वो उद्देश्य यीशु मसीह है एंड जीसस इज एवरीथिंग और यीशु ही सब कुछ है एवरीबॉडी लिफ्ट योर हैंड राइट नाउ अपने हाथों को उठाएं हर एक लोग अपने हाथों को उठाएं डी 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 टू हालेलुया लामना रबला शांत रगणी अंदर बे उक्रमणगले बरिया सांदरमणि हालेलुया Hallelujah aapke chehre ko dekhna Yeshu Masih aapke chehre ko dekhna Yeshu Masih haath uthake aapke chehre ko dekhna Yeshu Masih आपके चेहरे को देखना यीशु मसीह एवरीबॉडी हल्लेलुया हल्लेलुया विश्वास के साथ हल्लेलुया एवरीबॉडी आपके चेहरे को देखना यीशु मसीह आपके चेहरे को देखना यीशु मसीह आपके चेहरे को देखना यीशु मसीह हाथ उठा के आखिरी बार हल्लेलुया समर्पण के साथ हल्लेलुया